भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने हरदा की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि काफी लोग हताहत हुए हैं, कुछ की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी व्यवस्था को तत्काल लागू किया है, पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। डॉक्टर, फायर ब्रिगेड आसपास के जिलों से वहां पहुंच गए हैं। सीएम ने सबसे पहले आग पर काबू पाने, जान बचाने का काम किया, बाद में जांच में कठोर कदम उठाए जाएंगे, कारणों का पता लगाया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश में हरदा के अंदर एक दुखद घटना हुई है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और कुछ भाई और बहनों की मृत्यु भी इस घटना में हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सब लोग उनके साथ में इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सक्रियता के साथ और संवेदनशीलता के साथ एनडीआरएफ की टीम से लेकर के वर्न यूनिट, एम्स, बाकी सारे हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्थाएं तत्काल प्रभावी की जा सकती हैं, सरकार ने उन सारी व्यवस्थाओं को किया है। आपात बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। एसीएस होम, हमारे मंत्री और कई प्रमुख लोगों को टीम वहाँ तत्काल पहुँची है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से भी हमारे संभाग के प्रभारी और पदाधिकारियों को भी तत्काल उस काम में वहाँ लगाया है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में लगा है कि हर प्रकार से कैसे ही उस घटना को जो हुई है उस पर जो आगजनी जिस प्रकार से वहाँ पर बड़े पैमाने पर आग फैली उसको रोकने का प्रयास प्रशासन ने गंभीरता से किया है। डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, एम्बुलेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ यहाँ से भी गई हैं और नर्मदापुर, बैतूल, इंदौर, इधर से भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की हैं। चीफ सेक्रेटरी से लेकर के बाकी सारे लोग उस घटना को लेकर के मुस्तैदी के साथ तैयारी में जुट गए, लेकिन घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है कि जिसके कारण से अभी मैंने कलेक्टर से भी बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी तो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो अभी जो जानकारी में कि 6 लोग की दुखद मृत्यु हुई है और 50 के करीब लोग जो घायल हुए हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, 59 के लगभग जो लोग हैं, तो सभी परिवारों के प्रति संवेदना के साथ पूरा प्रशासन और शासन बचाव कार्य में गंभीरता के साथ जुटा है।